हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं करेले। ये करेले बनाने का तरीका पहले वाले मेरे वीडियो से डिफरेंट होगा। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आके देखिए। आज हम करेले का डिफरेंट तरीका बना रहे हैं। इसमें हम लोग जो है करेले का ऊपर से छिलका हम थोड़ा थोड़ा निकालेंगे, ज़्यादा नहीं स्क्रेप करना है इसको। उसके बाद इसको हम गोल गोल सेम गोल गोल काट के और नमक और हल्दी के पानी में डाल के रख देंगे। ये देखिए, करेले को मैंने ऐसे पतला पतला काट लिया है और अब मैं इसमें अंदर नमक और हल्दी के पानी नमक और हल्दी डाल के इसको मैं मिक्स करके अच्छे से और पानी में 1 से 2 घंटे के लिए डिप करके रख दूंगी। ये हमने जो नमक और हल्दी के पानी में डाल के रखे थे उसको 1-1.5 घंटे के लिए भिगो दिया था, अब निकाल लिया है। उसके ऊपर मैं कॉर्नफ्लोर जो है वो स्प्रिंकल कर दूंगी। देखिए, ताकि अच्छे से कोट हो जाए और हमको फ्राई करने में वो क्रिस्पी हो जाए। और मैं साथ में थोड़ा सा नमक अभी फिर से डालूंगी, क्योंकि जो नमक है हमारा वो पहले पानी में ऑलरेडी निकल चुका है। हाथ से स्प्रिंकल कर दीजिए। कॉर्नफ्लोर मुझे अभी थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं और इसमें ऐड करूंगी। ना कॉर्नफ्लोर मैंने और लेके उसे थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। देखिए, मैं अच्छे से कोट कर लिया। इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है 4 से 5 बड़े चम्मच, मिर्ची डाली है 2 चम्मच के करीब, नमक डाला है वो अपने स्वाद के हिसाब से आप डाल सकते हैं, और धनिया पाउडर डाला है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। देखिए, हर एक जो पीस है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से देख के डालिए। तेल मैंने जो सरसों का तेल है वो ऑलरेडी गर्म करने के लिए रख दिया था, अब इसका स्मोकिंग पॉइंट तक आ गया है और अब हम इसके अंदर अपना ये जो करेले हैं ये फ्राई करेंगे। ये करेले अब हमने फ्राई कर लिए अच्छे से, और जो हमने कॉर्नफ्लोर और उसके साथ कोटिंग करी थी उसके बाद फ्राई करके निकाल लिए हैं। अब हम उसी तेल में आलू डालेंगे, उन्हें भी फ्राई कर लेंगे। ये भी अब हम धीमी आंच पे फ्राई करते रहेंगे इसको। ये आलू हमारे फ्राई हो गए हैं अच्छे से, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें लहसुन ऐड कर देंगे। और हम अपनी हरी मिर्ची डाल देंगे। ये थोड़ा सा हो जाए फिर हम इसके अंदर प्याज, ऐसे मोटे कटे हुए प्याज इसमें ऐड कर देंगे। नमक, हमने नमक ऐड कर दिया है। अब हम डालेंगे लाल मिर्ची और थोड़ी सी हल्दी।
अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपना धनिया पाउडर। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपने करेले, प्याज। प्याज हमको ज़्यादा फ्राई नहीं करने हैं, थोड़े कच्चे कच्चे रखने हैं। प्याज हमारे अच्छे से फ्राई, प्याज और आलू हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, मैं इसके अंदर करेले ऐड कर दूँगी। प्याज को थोड़ा स्लो कर दीजिए, जब आप डिशेज उठाते हैं तो मिट्टी होगा बैठा। करेले ऐड करके हमारा थोड़ा सा फ्राई हो गया है। अब मैं इसके अंदर आमचूर अपना ऐड कर दूंगी। तकरीबन 2 चम्मच के करीब आप आमचूर डाल दीजिए। कम खट्टा पसंद करते हैं तो कम डाल सकते हैं। ये डिश अमचूर डालने के बाद ये डिश हमारी रेडी है टू सर्व। आप इसको ढक के रख दीजिए, जब आपको सर्व करना हो तो बॉल में ऐड कर दीजिए।